जनपद मथुरा के शेरगढ़ कस्बे में आज रामलीला मंचन के दौरान लंका दहन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम का आशीर्वाद लेकर माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी सात समंदर पार लंका जा पहुंचे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान श्री राम जल्द ही यहाँ से ले जाएंगे। अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ दिया, तभी उन्हें रावण के पहरेदार ले गए और रावण के आगे पेश किया। रावण ने हनुमान जी को मारने की कहा, लेकिन वहां पर मौजूद विभीषण ने कहा कि वानर का सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है। तभी रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, तभी हनुमान जी ने वहां से निकलकर लंका में आग लगाना शुरू कर दी और लंका धूं धूं कर जल उठी। और ये सब लीला कस्बे के बलराम कुंड पर दिखाई गई। वह माता काली के झांकी के साथ प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामचंद्र भगवान का डोला गोपीनाथ मंदिर से लेकर मेन बाजार होते हुए बलराम कुंड पर पहुंचा। आज हमारे कस्बा शेरगढ़ में रामलीला महोत्सव के अंतर्गत जो रामलीला चल रही है उसमें नौमी का डोला निकाला गया है, जिसमें कि भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एवं वीरवर हनुमान सहित डोला में विराजमान होकर और गोपीनाथ मंदिर से ये सवारी प्रारंभ होकर मेन मार्केट होते हुए तालाब मंदिर पर पहुँची है, जहाँ पर कि वीरवर हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेकर एवं माता सीता की खोज करने के लिए लंका पार गए हैं, वो समुद्र पार गए हैं, जहाँ पर कि उन्होंने माता सीता का पता लगाकर लंका दहन का आयोजन किया है और वहाँ से सकुशल लौटकर सीता माता की खोज का जो सीता माता की खोज करने गए थे उसका पता श्री रामचंद्र जी को आकर दिया, जिससे कि पूरी वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई, जिसके साथ जो नल नील नाम के दो वानर उनकी सेना में थे उनके सहयोग से श्री राम जी ने जो कि 100 योजन लंबा समुद्र था उस पर पुल बनाया है और सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की। आज की लीला में इतना ही दिखाया गया है, बाकी लीला का बाकी का दशहरा का आयोजन कल किया जाएगा। जी, हमारे शेरगढ़ में रामलीला महोत्सव के 135वें रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज लंका दहन किया गया, जो सवारी श्री गोपीनाथ जी मंदिर से चलकर पूरे मार्केट में भ्रमण करती हुई और तालाब मंदिर पर पहुंची है और यहां लंका दहन किया गया है। कल का दशहरा है और रावण दहन होगा, उसके बाद अनाज मंडी में रागनी कंपटीशन है रात को।